मैं ये कह रहा था, ये आप ये ट्रेलर में कुछ चुनिंदा कुछ शॉटों से अंदाजा ना लगाए, इसका कुछ मूल्यांकन ना करें, फिल्म का इंतजार करें, और मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब आप फिल्म देखेंगे, उसके बाद ये सवाल का जवाब आपको फिल्म ही देगा। का दूसरा सवाल आपसे है कि आपने डॉन 2 की, अग्निपथ की, तेरी मेरी कहानी की, इतने सारे अलग अलग किरदार आप कैसे कर लेती हैं? अब ये किरदार भी एकदम डिफरेंट था आपके लिए। कैसे कर लेती हूँ का सवाल तो जवाब मुझे पता नहीं, लेकिन एक ही काम करने से किसी भी इंसान को बोरियत हो जाएगी। एंड मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मेरे जो भी डायरेक्टर्स हैं वो मुझे इतने अलग अलग कैरेक्टर्स में देख सकते हैं, मैं उनको ऐसे कैरेक्टर्स मैं बिलीव करवा सकती हूँ। सो आई फील दैट आई एम वेरी लकी, एंड मुझे हार्डवर्क करना अच्छा लगता है, एंड आई होप कि झिलमिल को देखने के बाद आप समझेंगे कि मैंने जस्टिफाई किया है अनुराग सर के विजन को। यो रणबीर, माय क्वेश्चन इज टू यू, यो 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 समवेयर यो बियर यो देयर शुड आई स्टैंड द फ्लैश फ्लैश मोबाइल यू कांट सी ओके। इसमें आप डेफ एंड डम हो बेसिकली, जितनी भी पिक्चरें आई है जहाँ रानी मुखर्जी या काजल देख नहीं पाती थी या कोई भी डिसेबिलिटी रहती थी, वो पिक्चर हिट हुई है हमेशा। तो आपको लगता है कि आप पहले मेल यू नो द सोलो लीड हो जो डेफ एंड डम बनके जो ये जो फॉर्मूला है आप पिक्चर हिट करवाओगे? देखिए अगर ऐसा होता तो मेरी हर फिल्म में कुछ डिसेबिलिटी रखता मैं, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। बट ये फिल्म की खासियत ये है कि जो भी डिसेबिलिटीज आप अभी यू नो जिस के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपको महसूस नहीं होंगे इस फिल्म में। वी आर नॉर्मल कैरेक्टर्स, यू नो पी सी इज प्लेइंग एन ऑटिस्टिक गर्ल बट शी इज रियली लाइक अ पपी डॉग, यू नो यू विल फॉल इन लव विथ अ ब्यूटिफुल पपी डॉग बिकॉज इट्स दैट यू नो इट्स लाइक वॉट यू फील वेन यू सी अ न्यू पपी हु इज जस्ट बॉर्न, दे रियली क्यूट। So yeah, you will not feel that this is a disability film or it's about mentally handicapped or challenged and stuff like that. It's not about that at all. But agar ye formula sahi hai, then yes, I would have played, you know, Rockstar as a one-legged man. I would have played Savarya as a blind person. But aise koi formula nahi hai. Ji. ये तो आपके हाथ में, अगर आप कल अच्छा कुछ लिखोगे अखबार में पेपरों में तो शायद आएंगे फिल्म देखने। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि दादा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत हैप्पी फिल्म है। अगर आप डिसेबिलिटी कहो या इनएबिलिटी कहो या कुछ भी कहो, ये हमसे यू नो इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाय अनुराग, ऑन योर राइट, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू कैन एलैबोरेट व्हाई डिड द रिलीज डेट यू नो गॉट पुश्ड ट्वाइस, नाउ इट्स इन सितंबर, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? There are many reasons actually. First, we didn't, there was two, my one schedule got cancelled because of the rain, very untimed, September, you know, the whole schedule. And to reshoot those portions which I couldn't shoot in September took little time. So, is wajah se thoda sa delay hua. Uske alawa, Sid and Ronnie thought this was the right date for Buffy. Or I told them I'll be ready with the film post July 15, post August 15, so they can decide any of these dates. So I think this was a date decided by Ronnie and Sid, and they know the business better than me. My work is to make the film ready in time. I think Sid is a better person to answer why he's decided on September 14th. But yeah, there were two reasons, because of my schedule got cancelled twice and I had to have dates of all these people again to reshoot those portions. Ranveer. मनीष, ये जानना था रणवीर कि आपकी फिल्म 14 सितंबर में रिलीज हो रही है और एक हफ्ते बाद करीना की फिल्म हीरोइन रिलीज हो रही थी, इस बार मामला कुछ ज्यादा टक्कर का लग रहा है क्योंकि मामला घरेलू हो गया इस बार? नहीं, मैं ये एक्चुअली हीरोइन भी यूटीबी की फिल्म है एंड बर्फी भी यूटीबी है, घरेलू तो मतलब हर साइड से है, बट नहीं हम वी ओनली वॉन्ट कि एवरी फिल्म वर्क्स, यू नो हीरोइन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, बर्फी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, Rowdy Rathod was a different kind of film, again produced by UTV. If they're good films, they will work, it's irrespective who's related, who's in whose film. So yeah, koi aisa gharelu, koi aisa jhagda wada nahi ho raha. Teri film ya meri film.
नहीं जी, वाई विल आई बी अपसेट? मेरा यही मानना है कि हर फिल्म अगर आप एक रिलीज डेट से बनाते हो, वो फिल्म की समाप्ति होती है. यू नो, फिल्म का एक खुद का डेस्टिनी होता है कि कब बनेगी, कब रिलीज़ होगी. हमारा काम है कि हम फिल्म अच्छी तरह बनाएं, अच्छी तरह उसको उसका पोस्ट प्रोडक्शन में यू नो अच्छी तरह काम करें, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो. क्योंकि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो वो तो नहीं सब सोचेगी ना कि ये 2 साल लगे, 10 साल लगा या 2 महीने लगे. उनको फिल्म देखनी है, अगर अच्छी फिल्म है वही आई थिंक इज द मेन थिंग. रणबीर, हाय. माय क्वेश्चन इज टू रणबीर एज वेल एज प्रियंका. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू इमोट without any dialogues, and how difficult it is for the audience to get to know what you are trying to say on screen? This is the first time that you are doing so, and is it the most challenging role that you have ever played till now? I don't see, Dada narrated the script to me, I thought ki, arre yaar, iske liye bahut character work karna padega, I'll have to learn sign language and all. But he was very clear, you know, this is not a film to showcase ke, you know, to show off your acting abilities or, you know, to say you're such a method actor. He wanted to be relatable. You know, if you have a niece or nephew, your dada, dadi, your parents, everyone should understand this film. So if I'm talking sign language, now you don't know sign language. So I would relate what I'm feeling to you in a way that you would understand, which you would relate to. So it's more of dumb charades. You know, agar if you had a bad throat, agar aap baat nahi kar sakte, agar aapko paani chahiye, to aap kya karoge? Dikhaiye. Correct. It's as simple as that. So it was really, it's a film of heart, which Dada has made with a lot of fragility. You know, and every character has been treated like that. And it wasn't difficult because he just knew all the characters so well. We used to come on set, he used to tell us, this is what I'm thinking. And because he's such a good-hearted guy, you want to give it your best. You know, you want him to be happy, you want him to be satisfied, because he's really lived last 1.5 years of his life on this film, and he has given it all. So it's our duty as actors, and because Mr. Ronnie Shruwala has been kind enough to pay us well, that we, you know, work really hard and deliver what we are paid for.